नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आपको जाने और अनजाने में चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा दौर क्यों ना हो, आपको ये दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बातें आपकी राशि से बहुत हद तक, कहीं हद तक आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, और इन दो बातों की वजह से शायद अपने जीवन में एक आप बहुत बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। जब हमारा हालात ख़राब होते हैं तब हम बहुत बुरा सोचते हैं, बहुत नकारात्मक सोचते हैं, और जितना नकारात्मक सोचते हैं उससे हम बहुत परेशान और व्यथित होते रहते हैं। कई बार हमारा आत्मविश्वास जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, और इस वजह से हमें कई सारी परेशानियाँ भी झेलना पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ दो बातें बताने वाला हूँ जिन बातों का प्रभाव आपके पूरे इस जीवन काल पर पड़ने वाला है, और इन बातों के प्रभाव से आप जिन हालातों में वर्तमान में गुजर रहे हैं उन हालातों से भी बहुत कम समय में बाहर निकल आएंगे। वो कौन सी बातें हैं, इन बातों को मैं बताऊं, उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। सबसे पहली बात है कि जब भी बुरे हालात हो, कितने भी बुरे हालात हो, आपको मंत्र जप को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ से इस बात को बहुत बारीकी से समझ ली कि कैसे मंत्र जप करना है। जब भी बुरे हालात होते हैं तब दिमाग मन सब व्यथित हो जाते हैं, सब चीज़ें हमारी बहुत नकारात्मक और नेगेटिव हो जाती है, लेकिन मंत्र जप में वो शक्ति है। मंत्र जप में कौन कौन से मंत्र जप है ये समझ लो। सबसे पहला मंत्र अपना गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय नहीं है, वो भी नहीं तो सबसे बड़ा मंत्र होता है हनुमान चालीसा। इसका जप करें आप, हनुमान चालीसा 2, 4, 5, 10 बार जितनी बार आप पढ़ पाए दिन में पढ़ें। दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज जीती जागती सत्ता है, और कितने भी बुरे हालात उनसे आप बाहर निकलेंगे। और दूसरा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, शिवालय 2 वक्त ज़रूर जाए। ओम नमः शिवाय।